सो गाइस दिस इज़ द सेकेंड डे इन रामेश्वरम एंड आज है साइट सीइंग का डे. तो आई एम सो वेरी एक्साइटेड जा रहे हैं साइट सीइंग करने. बाहर टैक्सी को ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ लगाया इन्होंने. सो आई फाइनली फाउंड माय टैक्सी और इन्होंने आज के फुल डे के साइट सीइंग का प्लस जहाँ पूरे मतलब आइलैंड कवर कराने का 1500 लिया है. आप यहाँ पे ऑटो से भी घूम सकते हैं, उनके चार्जेस कुछ कम हैं, बट धनुषकोटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इससे बेटर है कि कार कर लो. आर फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ अब्दुल कलाम जी की समाधि, वहाँ पहले हम लोग जा रहे हैं और उसके बाद आगे चलते हैं. गाइज आई एम इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल और अनफॉर्चुनेटली अंदर कैमराज आर नॉट अलाउड, बट आई वुड लव टू शो यू सामने से कि हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस प्लेस. इनका जो मेमोरियल है वो बहुत खूबसूरत है, प्लस इसी में इनकी समाधि भी जो है वो भी इसी में है. अब्दुल कलाम मेमोरियल में कैमराज आर नॉट अलाउड, आप अंदर मोबाइल लेके जा सकते हैं, बट जो मेन म्यूज़ियम है वहाँ पे अंदर भी आपको फ़ोन स्विच ऑफ करा देते हैं. तो बाहर के तो कुछ सीन्स थे वो मैंने मोबाइल में कैप्चर कर लिए हैं, बट अंदर आने के लिए आपको आना ही पड़ेगा और ज़रूर से आइए, बट इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. उनके स्टैचूज़ बनाए गए हैं जब से वो प्रेसिडेंट बने टिल द डे ऑफ हिज डेथ, उनके सारे अवार्ड्स रखे हैं, सब कुछ रखा है. इट इज़ ब्यूटीफुली मेंटेन, बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कोई यहाँ पे फीस नहीं है, फीस ना होने के बावजूद दिस प्लेस इज़ सो वेरी वेल मेंटेन. सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे ज़रूर से आए. सो फोक्स आई एम राइट नाउ एट लक्ष्मण तीर्थम. यहाँ के एंट्रेंस में लिखा था लक्ष्मण क्रिएटेड दिस प्लेस टू रिजॉल्व हिज सिंस. ₹30 का फुल पानी. जितना भी आप हाइड्रेटेड रहोगे उतना आपके लिए अच्छा, उतने अच्छे से आप घूम सकते हो. टेक अ सनग्लासेस और कैप इफ यू फील नेसेसरी, बट डू टेक केयर क्योंकि थोड़ा धूप ज़्यादा है, तो जिन लोग थोड़े से सन फोबिक हैं उनके लिए इट्स नॉट गुड. सो कीप हाइड्रेटेड. रामचंद्र सेवा संकुल, यहाँ पे रामचंद्र जी की मूर्ति है, कुंड बने हुए हैं और भी थोड़े बहुत अट्रैक्शंस हैं. बस अंदर मंदिर में फ़ोन इज़ नॉट अलाउड, कैमरा इज़ नॉट अलाउड, तो ये इशू तो रहेगा ही यहाँ पे. सो ब्यूटिफुल, ये दोनों सी के बीच में ये रास्ता बना है और मैं यहीं से संगम देख पा रही हूँ जहाँ पे वो एक साइड से ओशन है और एक साइड से वेस्ट बंगाल है, दैट इज़ सी. आई वॉन्ट टू टेल यू कि NH84 के लास्ट पॉइंट पर मैं खड़ी हूँ और इसके आगे कोई भी रोड नहीं है. दिस
एंड ऑफ द रोड. एक साइड मेरे है बे ऑफ बंगाल, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, और उस साइड है इंडियन ओशन, और सामने है उनका मीटिंग पॉइंट जहाँ पे ये दोनों सी और ओशन मीट करते हैं. दैट साइड इज़ द ओशन एंड दिस साइड इज़ द सी. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ओशन एंड द सी, एंड दिस इज लुकिंग रियली वेरी नाइस. आई एम प्रीटी सो अमेज्ड टू शो यू दिस प्लेस. दिस प्लेस इज़ रियली नाइस. यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा, सम वाटरी फ्रूट्स लाइक खीरा एंड वाटरमेलन, एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़े आप सीपियाँ वगैरह अगर खरीदना चाहे तो आगे पीछे एग्जैक्टली वो बना हुआ है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं. गाइस इफ यू वांट टू नो हाउ हैप्पी आई एम फीलिंग, यू जस्ट नीड टू सी दिस. सामने मेरे है इंडियन ओशन एंड आई एम फीलिंग सो डिजी राइट नाउ. फ्रॉम द लास्ट एंड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंडिया. वैसे तो मैं वैसे ही सब कॉन्टिनेंट से अलग हो गई थी जब रामेश्वरम में एंटर किया था, बट दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द रामेश्वरम एंड सामने इज द इंडियन ओशन. सीन द इंडियन ओशन, अब वो भी देख लो, बंगाल सी भी देख लो. यहाँ तो कोई ले रहे मेरे बहुत है ऑब्वियसली है, लेकिन बहुत धीमी है, तो इसके उसके में डिफरेंस आपको एकदम अच्छे से मालूम चल जाएगा. How quiet is the sea and how wavy is the ocean. So taking some sort of refreshments over here. यहाँ पे यही refreshments मिल रहे हैं. आगे मैंने देखा कि एक ही place पूरे रामेश्वरम में मुझे दिखी जहाँ पे non-veg मिला, that is fish and prawns. Because वो city से थोड़ी disconnected है place, प्लस यहाँ से ज़्यादा कनेक्टेड एकदम सी के ओशन के बगल में है, तो लाजमी है फिश एंड प्रॉन्स मिला. लकी आर देम जिनको नॉन वेज के लिए जो यहाँ पे परेशान रहे होंगे और उनको वहाँ पे नॉन वेज मिल जाएगा. सो हैविंग दिस व्यू बिहाइंड मी, आई एम हैविंग दिस हेल्दी रिफ्रेशमेंट. आज के पूरे दिन के दिस वॉज द बेस्ट प्लेस एंड आई एम लिविंग फ्रॉम हेयर. जा रही हूँ वापस, और भी एक दो पॉइंट्स उनको आपको दिखाती हूँ, देखती हूँ. मैंने रास्ते में देखा सम मोटो ब्लॉगर्स को भी, देवर कमिंग हेयर एंड डूइंग मोटो ब्लॉग, दैट वॉज रियली ऑसम. एंड आई हर्ड कि ये लास्ट पॉइंट है मोटो ब्लॉगिंग का भी इंडिया में, तो इट्स रियली नाइस. कभी अगर मौका लगा आने का यहाँ पे किसी मोटो ब्लॉगर के साथ, आई विल डेफिनेटली कम. कोई राइडर भी अगर आना चाहेगा तो आई विल डेफिनेटली कम. चलो गाइस आगे चलते हैं. अभी यहाँ पर आई नो आई एम जस्ट नॉट डन विद दिस प्लेस, सो वुड बी यू, आप भी ज़रूर आओ यहाँ पे. धानुष कोटे के उस प्लेस पे हूँ विच इज़ नोन एज द भूत गाँव. भूत गाँव इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उन ब्लास्ट की वजह से यहाँ का पूरा गांव जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, और स्टिल अभी भी उसके रिमेन्स अभी भी यहाँ हैं. दिस इज़ वेरी नाइस. यहाँ पे आपको समुद्र के किनारे मिलने वाली चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे सीपियाँ और उससे बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो यू वुड लव दैट. दैट इज़ द ओल्ड डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग वहाँ पे, और यहाँ पे ओल्ड चर्च है, दैट इज़ द बोर्ड, और ओल्ड चर्च यहाँ पीछे. उसके बाद आती हूँ और यहाँ से कुछ शॉपिंग करती हूँ. दिस इज़ द डिस्ट्रॉयड ओल्ड चर्च यहाँ पे, और ये वाकई एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है. इट्स गुड फोटोग्राफी प्लेस, अगर आप आना चाहो तो यहाँ आके फोटोग्राफी कर सकते हो. दिस सीम्स नाइस, लेकिन इतनी गर्मी में थोड़ा सा पैर जलेगा आपको. ये नेचुरल वाला एक शंख वाला दिखाइए. नहीं जो बस्ता नहीं है, ये पानी वाला पूजा क्या है.
गाइस आई हैव डन माय शेयर ऑफ शॉपिंग फ्रॉम हेयर. ज़्यादा कुछ लेने का वो तो नहीं है, बहुत कॉस्टली भी दे रहे हैं यार, यहाँ तो सस्ता देना चाहिए, बट स्टिल ले लिया. अगर यहाँ तक आए हैं तो कुछ लेना भी ज़रूरी है ना. सीपियाँ हैं, ज्वेलरीज हैं, उससे उन्होंने बनाया हुआ है. तो ज्वेलरी लवर गर्ल्स, आपको यहाँ पे बहुत सी एंटीक फैशन ज्वेलरीज मिल जाएंगी. कहाँ से आए हो आप? बट लास्ट 5 ईयर से कश्मीर में है. आप वहाँ पे काम कर रहे हैं कश्मीर में? अभी छोड़ दिया है. सो सो ग्रेटफुल कि इतनी दूर आ करके और इतने दूर दूर के लोगों से मिले. इट्स रियली वेरी नाइस. कैमरे वॉज नॉट अलाउड बट अंदर उनका सब बहुत बढ़िया से अच्छे से रखा है. जो उनके घर में मार्केट बनी है सीशल मार्ट, वहाँ से मैंने खूब सारे गिफ्ट्स खरीदे अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए. और यहाँ से आप चाहो तो अपने लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आप शॉपिंग कर सकते हो. जो आपको बाहर जो चीज़ें मिलती हैं वो इतनी सस्ती नहीं होती हैं जितनी इस सीशल मार्ट में है. गाइज आई एम इन फ्रंट ऑफ रामपालम राइट नाउ और मेरे पीछे आप एक टॉल टावर देख रहे हो, दैट इज़ रामेश्वरम का लाइट हाउस. एक बात एकदम सच कही है, द मोस्ट डिफिकल्ट हाइक्स ब्रिंग्स द मोस्ट ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस. यहाँ मेरा पैर जला आते ही, लेकिन यहाँ आने के बाद व्यू देखने के बाद वर्थ इट मैन, वर्थ. यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि रामेश्वरम वाकई एक आइलैंड है. यहाँ से आप जिस भी कोने से जिधर भी दूर दूर तक देखेंगे सिर्फ सी दिखेगा. तो आपको तब ये एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप एक आइलैंड में हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट है, यहाँ से पूरी रामेश्वरम सिटी दिख रही है और लाइट हाउस भी. गाइस डन विद द प्लेस और यहाँ तरबूजा खा के मैं आगे आगे बढ़ रही हूँ. ठीक भी है, लाइट चीज़ खाओ ताकि यहाँ घूमने में आराम रहे, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ का अधिक है. तो जितना आप हाइड्रेटेड फूड लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. हर जगह ऐसी छोटी छोटी हर मंदिर के सामने स्टॉल्स हैं. डरपोंग बकरी दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो. अपने सारे सजेशंस और क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बिलो. आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग वहाँ पहुँचने का, यहाँ पे घूमने का, कोई भी प्रॉब्लम हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो. और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ताकि और लोग भी इसको देखें और ये यूनिक जगह पे घूमने ज़रूर आएँ. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल बी बैक विद अ नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रामेश्वरम इन नेक्स्ट वीडियो. तो जस्ट वेट फॉर इट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. उसके बाद का प्लान्स तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तो पता चलेगा कहाँ का है.